मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तुम लोग मुझे तो जानते ही होगे, राइट? फर्स्ट इंट्रो वीडियो भी देख ही चुका है और कुछ कुछ मेरा लाइव सेशन भी अटेंड कर चुका है, ठीक है? मेरा नाम है पॉपुलरली नोन एज गुप्ता सर बोलते हैं, ठीक है? और आज हम लोग कुछ अच्छा पढ़ने वाले, कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है? एवरी डे हम लोग कुछ सीखना है, ठीक है कि नहीं? अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, अब एक चीज दिमाग में आता है, लॉ ऑफ मोशन मतलब क्या है? मोशन के लिए कुछ लॉ बनाए। लॉ मतलब क्या होता है? कानून होता है ना, हर चीज का एक लॉ रहता है, ठीक है? जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो उसका भी एक लॉ रहता है, कॉलेज जाते हैं उसका भी लॉ रहता है, ठीक है? नहीं तो क्या हो जाएगा, लॉ नहीं रहेगा तो दिक्कत होता है, ठीक है? वैसे ही लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? अब ये लॉ मोशन को जानने से पहले उस तो एक क्रम यूज होगा, कौन सा? रेस्ट, ठीक है? दैट मींस रेस्ट क्या है, अभी रेस्ट क्या है वो हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि मोशन से पहले एक क्रम आता है रेस्ट, ठीक है? दैट मींस इफ एन ऑब्जेक्ट डोज नॉट चेंज its position with respect to time, then it is said to be a rest. That means हम लोगों को यहां से क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वो कब तक, कब रेस्ट में बोला जाएगा? अंटिल एंड अनलेस वो अपना पोजीशन क्या रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, दैट मींस मेरा मूवमेंट हो रहा है क्या अभी फिलहाल के लिए, प्रेजेंट स्टेज के लिए नहीं हो रहा है, दैट मींस आई कैन बी टर्म्ड एज इन रेस्ट, ठीक है? या फिर तुम ब्लैक बोर्ड देख लो, ब्लैक बोर्ड क्या है अभी रेस्ट में, क्यों रेस्ट में? क्योंकि ये इसका क्या है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ये इधर उधर हिल रहा है क्या? नहीं हिल रहा है, दैट मींस इट इज फ्रॉम एज रेस्ट, ठीक है? दैट मींस कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो कब रेस्ट में कहलाएगा, जब उसका पोजीशन, पोजीशन मतलब यहाँ पर मैं देखो, मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा, मतलब मेरा पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया, मैं पहले इधर था, पहले इधर था, इधर आ गया, दैट मींस मेरा पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है? दैट मींस उसी को क्या बोला जाता है, यदि पोजीशन चेंज ना हो, पोजीशन क्या हो, डस नॉट चेंज इस पोजीशन, दैट मींस ये क्रम है, डस नॉट चेंज इस पोजीशन, उस समय हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट में है, दैट मींस कभी हम लोग का रेस्ट में रहेगा तब जाके हम लोग का क्या रहेगा, मोशन रहेगा, ठीक है? या फिर गाड़ी देख लो, अभी गाड़ी चल नहीं रहा है, सपोज ये ट्रक देखो, ऐसे ही मैंने रख दिया है, ठीक है, इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है सपोज, ठीक है? दैट मींस ये क्या बोला जाएगा, द चॉक इज एट रेस्ट, दैट मींस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलो या फिर चॉक बोलो, ठीक है? अभी इसके लिए तो ये चॉक है, दैट मींस हमारे लिए तो ये चॉक है, इसका पोजिशन चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये क्या है, रेस्ट में है, ठीक है? अब ये रेस्ट की वजह से ही क्या आ गया हम लोग का एक और आगे में, थोड़ा साइंटिस्ट लोग ने सोचा, अरे ऐसे ही पड़ा हुआ है कुछ समय, तो उसके बाद उसको मूवमेंट भी तो हो रहा है, वही ड्रम को आ गया मोशन, वही ड्रम आ गया मोशन, दैट मींस रेस्ट क्लियर, दैट मींस स्टिल पोजीशन में है, दैट मींस यदि क्लास में देख से वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई टच भी नहीं है, दैट मींस वो क्या है, रेस्ट में ही है, ठीक है? रेस्ट का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे मोशन की तरफ। अब मोशन क्या है, क्योंकि पहले हम लोग को कुछ भी जानने के लिए पहले उसका बेसिक चीज जानना जरूरी होता है, बेसिक क्लियर तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एडवांस डे इजी रहेगा, क्योंकि 2+2=4 पता है, तभी तो हम लोग 2+2=2 क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है 2+2 सिंपल टर्म्स पढ़ना है, उसके बाद आस्ते आस्ते जाके क्या करेंगे हम लोग, एडवांस पढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टली क्लास ट्वेल्व पहुंचते हैं क्या, नहीं, वन बाय वन करके लर्न करते हैं, वैसे ही हम लोग फिजिक्स में भी 1/1 करके लर्न करेंगे। अभी हम लोग ने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, रेस्ट,
अब हम लोग का टर्म आएगा मोशन, मोशन, ठीक है, क्योंकि हम लोग किससे डील कर रहे, लॉ ऑफ मोशन से डील कर रहे, लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर। मेरे इसका फर्स्ट क्लास का इंट्रो में मैंने इसका ट्रिक्स बताया था, याद होगा तो, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ याद करने का, ठीक है। जो भी ट्रिक्स रहेगा वो मैं लाइव सेशन में मैं बताऊंगा, ठीक है, और वीडियो सेशन में मैं जनरली इस टाइप से मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग का आ गया मोशन, दैट मींस मोशन मतलब कब होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, then it is said to be an, or it is said to be in motion, it is said to be in motion, that means यहां से हम लोग का डेफिनेशन से क्या समझ में आ रहा है, ये टर्म ले लिया मोशन। मोशन मतलब क्या हो गया, मूवमेंट, दैट मींस इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज पोजिशन। मैं एक ऑब्जेक्ट मान लू, मैं यहां से यहां आया, मतलब मेरा इनिशियल कहां था, इधर था, मैं इधर से इधर आया, मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम मैंने अपना पोजीशन यहां से क्या कर दिया, इधर में आ गया, ठीक है, दैट मींस उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मोशन। हम लोग का टर्म आ गया मोशन, ठीक है। अब हम लोग का मोशन भी क्लियर हो गया, या फिर मान लो ये चल के इनिशियली एट रेस्ट, ऐसे हम लोग का क्या हो गया, मूवमेंट कर गया, दैट मींस इसका इनिशियल रेस्ट में था, अब जाके क्या कर दिया, यहां से मूवमेंट कर दिया, दैट मींस विद रेस्पेक्ट टू द, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, पहले इनिशियली यहां पर था, मूवमेंट क्या कर दिया, इधर 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 में चल के मूवमेंट कर दिया, दैट मींस उस समय क्या बोला जाएगा, वो मोशन में, ठीक है। दो बेसिक चीज क्लियर किया, एक रेस्ट क्लियर किया, रेस्ट मतलब उसका पोजिशन चेंज नहीं होगा, वो फिक्स है तो फिक्स में ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरा आ गया मोशन, मतलब वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उसका पोजिशन क्या हो गया, चेंज हो गया, उसको बोला जाता है मोशन। अब इसी से रिलेटेड में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन जानने के लिए भी दो और चीजें जानना है हम लोगों को, एक जानना है फोर्स, दूसरा जानना है हम लोगों को इनर्शिया, ठीक है। अब हम लोग का मोशन भी हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स मतलब क्या होता है, हम लोग ने बेसिकली पढ़ा है फोर्स, फोर्स फॉर्मूला से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये पढ़ा है, ठीक है। अब इसको और डेप्थ में पढ़ते जाएंगे, इसको डिराइव भी करेंगे इन सेकेंड लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ में। पर हम लोग फोर्स मतलब क्या होता है डेफिनेशन वाइज लिखे, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या बोला देंगे, इट इज, अभी यहां पर मैं डेफिनेशन थोड़ा अलग वे से लिखा रहा हूं, ठीक है, इट इज पुश और किसको करेंगे, पुल करेंगे, ठीक है, दैट मींस इट इज पुश और पुल विच चेंज, विच चेंज, क्या चेंज करेगा हम लोगों का, क्या चेंज करेगा बोलो, विच, विच इट इज पुश और पुल, ठीक है, विच चेंज और टेंड्स टू चेंज, ठीक है, और टेंड्स टू चेंज, ठीक है कि नहीं, टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, बट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या फिर इतना ही लिखने से भी हो जाएगा, ठीक है। That means हम लोग ने क्या बोला, it is pull or push which change or tends to change the state of rest. That means ये हम लोग का चौक हो गया, ठीक है। अभी ये इनिशियली क्या है, यहां पर है, अभी जैसे मैं इसको यहां पर फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है, that means इसका मास रहेगा push और pull, या फिर इसको मैं इधर से खींच रहा हूं, या फिर इसको मैंने उधर में खींच दिया, ठीक है, दैट मींस पुल कर दिया या फिर पुश कर दिया, इधर में खींचा, उसी को क्या बोला जाता है, वो उस समय क्या रहेगा, अपना जो स्टेट है वो क्या करेगा, चेंज करेगा, दैट मींस मैंने अपने को ऐसे माना, तो मैंने अपना क्या किया, पुश किया, ठीक है, पुश या फिर पुल करेंगे
उस समय जो उसका स्टेट है, ठीक है, उसका स्टेट है, कोई यदि ऐसे है वो मुझे धक्का कर दिया तो इधर में चला जाऊंगा, या फिर ये मुझे धक्का कर दिया तो इधर में चला जाऊंगा कि नहीं, किसकी वजह से जाऊंगा, वो क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्योंकि हम लोग का मास तो रहेगा ही, और एक्सीलरेशन मतलब तुम लोग ने पढ़ाई है क्या, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, दैट मीन इनिशियली हम लोग का वेलोसिटी रहेगा ही, ठीक है, या फिर नहीं रहने से भी कोई मतलब नहीं, ठीक है कि नहीं, वहां पर हम लोग का किसके रेस्पेक्ट में रहेगा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम रहेगा, दैट मीन उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे, दैट मीन पुश करो या फिर पुल करो, जो हम लोग का स्टेट है उसको क्या कर देंगे, हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, हम लोग फोर्स बोला जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का बेसिक डेफिनेशन हो गया फोर्स का, ठीक है, ये भी हम लोग डिराइव कर लेंगे, ठीक है, ये सेकेंड लॉ में डिराइव करेंगे। अब आ गया हम लोग का थर्ड में, ठीक है, थर्ड में आ गया हम लोग का इनर्शिया, फोर्थ हो गया ना, फोर्थ हो गया इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है, बिफोर गोइंग टू लॉ ऑफ मोशन हम लोग को कुछ बेसिक कंसेप्ट जानना था, वही मैं बता रहा हूं। अब आ गया हम लोग का इनर्शिया, इनर्शिया मतलब क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इन अभी हम लोग का क्या है, अभी मैं क्या बोलूं, पहले लिख लेता हूं, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इट्सेल्फ is termed as inertia, is termed as inertia, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, अब सुनो, inertia मतलब ये हम लोग का चौक है, ठीक है, that means इसका खुद का ability है क्या, ये अपने आप से move करे, नहीं, that means the inability of a chalk, ठीक है, या फिर body, the inability of a chalk अभी के लिए चौक है, ठीक है, वो अपना स्टेट मूव खुद से नहीं कर सकता जब तक मैं क्या लगाऊ, फोर्स ना लगाऊ, दैट मींस जब फोर्स ना ही लगाओ तभी उसका अपना खुद की एबिलिटी नहीं है चेंज करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, इनर्शिया, मतलब मैं हूं, ठीक है, मेरे पास सपोज मेरे पास कुछ भी बॉडी नहीं, मैं ऐसे कोमा में हूं, ठीक है, मेरे पास एबिलिटी नहीं है बॉडी में, दैट मींस मैं क्या हो जाएगा, इनर्शिया ट्रम्प हो सकता है, क्यों, क्योंकि मैं कोमा में हूं, मेरा कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, अभी एबिलिटी नहीं है मेरा बॉडी का कि वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, दैट मीन उसी को क्या बोला जाता है, इनर्शिया, ठीक है, या फिर ये चौक है, इसका खुद का एबिलिटी नहीं है कि ये खुद से उठ के मार्केट चला जाए, चाहे है क्या, नहीं है, उसी को क्या बोला जाता है, इनर्शिया, समझ में आ गया, ये या फिर ब्लैक बोर्ड, इसका खुद का एबिलिटी है क्या, यहां से मार्केट चला जाए, नहीं है ना, इसी को क्या बोला जाता है, इनर्शिया, ठीक है। अब हम लोग लॉ में आते हैं, यहां तक क्लियर हो गया, तो अभी हम मैं फिर से एक बार रिकलेक्ट करा दे रहा हूं, मैंने क्या क्या पढ़ाया, फर्स्ट में बोला रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या हो गया, इफ एन ऑब्जेक्ट वहीं पर है, रेस्ट पे ये जब तक क्या रहेगा, उसका पोजिशन चेंज ना हो। नंबर सेकेंड में आया मोशन, मोशन मतलब क्या होता है, हम लोगों का बॉडी क्या, ऑब्जेक्ट क्या है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या करेगा, मूवमेंट करेगा या फिर पोजीशन का चेंजेस रहेगा। नंबर थ्री में हम लोगों ने पढ़ा फोर्स, ठीक है, पुश और पुल विच चेंज स्टेट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्स। नंबर फोर में आया इनर्शिया, इनर्शिया मतलब क्या है, उसका खुद का क्षमता नहीं है, दैट मीन्स द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज स्टेट, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, हम लोग इनर्शिया बोला जाता है, ठीक है, ये हम लोग का बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ, हम लोग लॉ ऑफ न्यूटन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है,
हम लोग का आ गया लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, या फिर न्यूटन साइंटिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया। दैट मीन्स उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन ने क्या किया, नाम लिया, ठीक है, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है कि नहीं। अभी लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला जाता है, इसको भी बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या बोला जाता है, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट या फिर एवरी बॉडी टेंड्स टू बी इन मोशन, वो क्या करेगा, मोशन में ही रहेगा, या फिर जो रेस्ट है वो रेस्ट में ही रहेगा, अंटिल एंड अनलेस क्या रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। दैट मींस एवरी बॉडी कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट, ठीक है, एवरी बॉडी कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट, या फिर एवरी बॉडी कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, अंटिल एंड अनलेस क्या रहेगा, कंपेयर्ड बाय सम समझना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा दिया हूं, एवरी बॉडी कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस कंपेयर्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी है, मैं यहीं पर हूं, ठीक है, रेस्ट में हूं, रेस्ट में ही रहूंगा। अब मुझे अपना स्टेट चेंज करने के लिए मुझे यदि कोई इधर से धक्का मार दे तो क्या रहेगा, मैं एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मैं अपना पोजीशन क्या किया, चेंज किया। दैट मींस वही चीज हम लोग का इनर्शिया, मैंने क्या बोला था, इनर्शिया द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, मतलब रेस्ट में तो क्या है, रेस्ट में ही। अब इसको मूवमेंट के लिए क्या लग रहा है हम लोग का, एक अलग से फोर्स लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या लगेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, याद है कि नहीं, ये मैं हूँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ बहुत खुश हूँ, ये हम लोग का कौ है, ठीक है, ये हम लोग का कौ है, ठीक है, ये हम लोग का कौ है, मैंने उस दिन बताया था, याद है कि नहीं, ये भी क्या है, इस टाइप का है, ठीक है, मैं हूँ मैन कौ, रेस्ट में है ये भी रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है तो ये भी क्या है, रेस्ट में, ये दौड़ रहा है ये भी दौड़ रहा है। अब दौड़ रोकने के लिए क्या रहे, एक्स्ट्रा फोर्स दोगे तभी तो रुकेगा, या फिर खुद के लिए रोकने के लिए भी तो फोर्स लगाओगे ना। दैट मीन्स ये क्या रहेगा हम लोग का, मैन भी रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में है, ये मोशन में हो गया सपोज, तो ये भी सपोज मोशन में हो गया, तो उसको रोकने के लिए भी क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। दैट मीन मैं यहाँ से यहाँ, यदि यहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह नहीं होता और मेरा खुद का फोर्स नहीं होता तो मैं क्या होता, चला ही जाता कि नहीं। उसी को बोला जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। कमिंग क्लास में दूसरा टॉपिक्स भी करेंगे, ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना।